बस उसके लिए देखेंगे, मतलब बिल्कुल उसका जो आएगा बस उतना चीज देखेंगे, और मतलब जो कॉन्सेप्ट वाला चीज बचेगा वो हम लोग इसके बाद वाली क्लासेस में देखेंगे। तो आज बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का क्लास होगा, मतलब जो चीज एग्जाम में आएगा बस उतने पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सर कितने मार्क्स का हाँ रहेगा? 40। एग्जाम रहेगा 40 मार्क्स का। हाँ, और अगर तुम नोट्स पढ़ लो ना पूरा तो सफिशियंट होगा, बस नोट्स ओके के ही क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ऋतुराज यू डोंट हैव आईडी? ओके, तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ नवीन हर्ष आर्या, तुम लोग के पास भी नहीं है? है सर। है तो नेक्स्ट टाइम जब सर लॉग इन करना ना, आईडी, तो आईडी नहीं मिली अब तक, आईडी अच्छा आईडी नहीं मिली है। नहीं मिल रही सर। यस ठीक है चलो कोई नहीं, फिर तो तुम लोग का ऑक्स लूप वाला बन गया ना आईडी। ठीक सर। है, एग्जाम उस पे होगा। सर मेरा तो ऑक्सक्लू अभी नहीं बना है आईडी। ऑक्स लूप का आईडी नहीं बना है? एक बार अपर्णा मैम को टेक्स्ट करना यार तुम्हारा आईडी के लिए, तुम्हारे आईडी के लिए। अपर्णा मैम का नंबर है? नहीं सर। मुझे टेक्स्ट करना, मैं कर दूंगा। ओके ठीक है, ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं सर मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं देखे थे, उससे पहले तक डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये सब चीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो, अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो तो क्या क्या इक्वेशन है हमारे पास। एक्सेलरेटेड मोशन तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो तुमको इसका प्रूफ आ सकता है इन तीनों का। ठीक है, तो पहला वाला प्रूफ कैसे करोगे? ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं ना। सर हाँ, एक्सेलरेशन। ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। सर वो क्या लिखा है? वी स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू, हाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, जहां पर वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फिर फर्स्ट हम लोग वो स्लोप वाले से कर देंगे ट्रायंगल बना के, सेकंड ठीक है 1 मिनट, सेकंड वाला ठीक वाला ट्रेपेजियम वाले से हो जाएगा, है। और थर्ड वाला वो हम लोग को एक रेक्टेंगल बना के उसमें से जो भी वैल्यूज रहेंगे उनको सब्सटीट्यूट करना होता है। ठीक है ठीक है, तो हम लोग ये करके एक बार देख लेते हैं सारा। मतलब दोनों दो मेथड है हमारे पास, कैलकुलस मेथड और ग्राफिकल मेथड, तो हमें दोनों से प्रूफ करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन अगर देखो, पहले मैं कैलकुलस बता रहा हूँ, कैलकुलस मेथड। तो मुझे प्रूफ करना है, मान लो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो तुम यहां से स्टार्ट करो कि हम लोग एक्सलेशन को कैसे डिफाइन किए थे। एक्सलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सलेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। यस सर। अब देखो यहां से आ जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सर फिर वो टी और एक्सेलरेशन और टी कैंसिल हो जाएगा। कौन सा टी हमारे पास, ये है ना एक्सलेशन इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। तो टाइम को उधर भेजो तो ए टी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी इनिशियल को ही हम लोग यू बोलते हैं, तो इसको इधर भेजो तो वी इनिशियल प्लस ए टी इज इक्वल टू वी फाइनल, और हमारे पास रिलेशन आ गया यू प्लस ए टी इक्वल टू वी। ये तुम्हारा पहला प्रूफ हो गया, ये 2 मार्क्स में आ सकता है।
अगर उधर ऐसे लिखा हो कि वी हैव टू प्रूव द थ्री इक्वेशंस ऑफ ये बाय कैलकुलस. मोशन, तो फिर हाँ हम लोग को कैलकुलस से ही करना है ना, अगर कुछ अगर तुम स्पेसिफाई नहीं किया हो. हाँ तो तुम कोई भी यूज कर सकते हो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हो तो फिर तुम कोई भी यूज कर सकते हो. ओके ठीक है. दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा इक्वेशन है s equal to ut plus half at square. देखो हमारे पास क्या आया है, v equal to u plus at मुझे पता है. अच्छा v क्या होता है, v को हम लोग कल जे लेक्चर में देखे ना, v क्या होता है, ds by dt या dr by dt is equals to u plus at. अगर ये मैं कैलकुलस मेथड बता रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज ds is equals to u dt प्लस ए टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू. तो ये तुम्हारा कैलकुलस मेथड हो गया. हम लोग दूसरे मेथड से भी करेंगे. डन? यस सर. नेक्स्ट नेक्स्ट हमें डिराइव करना है हाफ का क्या है उसमें एटीडीटी में. एटी का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होता है, टी डी टी टी टू द पावर 1 + 1/(1+1) आता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन याद करो. यस सर आ गया ना n plus 1 upon n plus 1 plus c, तो यहाँ से आ गया t square by 2. फाइन. और लास्ट वाला जो है वो देखो, लास्ट वाला क्या है, हम लोग कैलकुलस मेथड से v square equal to u square plus 2as. अच्छा ये जो भी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं वो किसके लिए ड्राइव कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर हमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो. कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ओनली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू. अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी को मैं लिख दिया यू प्लस वी बाय टू इनटू टाइम. देखो टाइम क्या आया था, वी इक्वल टू यू प्लस एटी था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी माइनस यू इज इक्वल टू एटी, और दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए. यहाँ पुट कर दो वी माइनस यू बाई ए, तो यहाँ पर क्या आ गया, एस इज इक्वल टू v plus u into v minus u, v square minus u square by 2a, or this implies 2as equal to v square minus u square. ये तीन डेरिवेशन तुमसे आ सकता है, इनफैक्ट आएगा. टेक्स्टबुक से पढ़ा तो चलेगा. हाँ टेक्स्टबुक से पढ़ा तो चलेगा, बट मतलब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना बस उतना ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में. तुम टेक्स्टबुक से पढ़ो अच्छी बात है. तो सर मतलब आपने वो जो जेई वाले लेक्चर में सिखाया था वो सब, वो टी वेक्टर वाले फॉर्म में और वो सब नहीं नहीं वो सब नहीं आएगा, वो सब नहीं आएगा, वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी है. तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा उधर बिल्ड हो जाएगा जेई वाले लेक्चर में. अभी मैं बस स्कूल एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि
क्लास हुआ नहीं है ज्यादा। और सर इस पे खाली एप्लीकेशन ही आएंगे ना, मतलब ग्रुप? हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और तरीका हो सकता है ज्यादा बेटर कैलकुलस मेथड, क्या हो सकता है कैलकुलस मेथड, अगर मैं इसके इसी चीज को लिखाऊं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस को, तो जो एनसीईआरटी मेथड बताया है वो बताया है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाई डीटी, ये कल हम लोग देखे थे। यस सर। इसको एक काम करो, डीएस से मल्टीप्लाई करो, डीएस से डिवाइड करो, ठीक है, देखो क्या बन जाएगा। ये वाला टर्म देखो क्या बन गया, डीएस बाई डीटी क्या होता है, डीएस बाई डीटी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो ये बन गया वी इंटू डीवी बाई डीएस। तो यहां पे लिख दो ए डीएस इज इक्वल्स टू वी डीवी, अब इंटीग्रेट कर दो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक और जीरो से एस तक, तो ए डी एस का इंटीग्रेशन हो गया ए एस इज इक्वल्स टू वी डी वी का इंटीग्रेशन हो गया वी स्क्वायर बाई टू। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और यहां से आ जाएगा टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस मेथड से प्रूफ कर देना एग्जाम में, ज्यादा बेटर है, ये यूज कर लेना अगर कैलकुलस मेथड बोले तो। सर आज के डाउट लेक्चर में क्या होने वाला है? जो तुम लोगों का लेक्चर टू में डाउट्स होंगे ना वो। सर मुझे इसमें डाउट है। किसमें? मैं आपको टेक्स्ट भी किया था व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं वो भी डाउट्स क्लियर कर लेंगे। मेरा पूरा इंटीग्रेशन का लेक्चर ही मिस हो गया सर, मेरे को कुछ नहीं आता है सर इंटीग्रेशन का। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे? v equal to u plus at। सर दो मिनट लास्ट से। सर हो गया, हो गया। देखो इसका तुम लोग ये यूज कर सकते हो, सिमिलरली अगर एक मिनट, अगर तुमको v इक्वल टू यू प्लस एटी है तो तुम्हारे पास इसके लिए एक और तरीका है। जैसे ये हमने कैलकुलस मेथड से प्रूफ किया ना, वैसे तुम इसको भी कैलकुलस मेथड से और अच्छे से प्रूफ कर सकते हो। जैसे तुम लोग को ये पता है एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो dt को इधर ले जाओ, ए डी टी इज इक्वल टू dv, इंटीग्रेट कर दो जीरो से t, इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस at। और दिस इंप्लाइज v इक्वल टू यू प्लस at, ये इक्वेशन बन जाएगा, राइट? यस। तो इसमें भी तुम अगर ये वाला मेथड यूज कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? और सिमिलरली सेम तरीके से हम लोग वो वाला प्रूफ कर सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करो, तुमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये हमें पता है, राइट? और डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, v को लिख दो, हम लोग इसी से प्रूफ किए थे क्या? हाँ हम लोग इसी से प्रूफ किया था, ठीक है। तो तुम साथ में एक बार फिर से लिख लो अगर लिखना है तो, dx आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v को लिख दिया u plus at dt, और ये बन गया
x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू. तो ये तीनों तुम्हारा प्रूफ होगा. एक पहला ये फर्स्ट, ये तुम्हारा आएगा सेकेंड और थर्ड. ये तीनों प्रूफ तुमको सेम टू सेम बस कॉपी कर देना है वहां पे अगर आया तो. कोई दिक्कत नहीं? नो सर. ठीक है, ये हो गया किसका? कैलकुलस मेथड. ग्राफिकल मेथड में क्या करें? ग्राफिकल मेथड इसमें क्या करें? v इक्वल टू यू प्लस. ये तीनों समझ में आया है ना? ये वाला समझ में आया है या नहीं आया है? ये वाला आया नहीं आया? हेलो, आया थे? तो तुम ठीक है, तो तुम्हारा ये तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा और ये दोनों भी प्रूफ हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को? बहुत छोटा छोटा प्रूफ है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल मेथड. कैसे करें? हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस एटी, को कैसे प्रूफ करें? ये कैसे प्रूफ होगा? स्लोप 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 क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना ले. yes. और सर स्लोप क्या देगा मुझे? ये इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है v, और ये टाइम है. तो मुझे पता है इसका स्लोप क्या हो गया. स्लोप इज tan थीटा. तो मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस हो गया v माइनस यू और ये हो गया t. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई t स्लोप. और दिस इंप्लाइज v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और दिस इंप्लाइज v इक्वल टू u प्लस ए टी. ये तो हमारे का पहला प्रूफ हो गया ग्राफिकल से. जो रट्टा नहीं मारना है, मतलब समझना है आसान सा है. सॉरी, सही है? नेक्स्ट क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो कैसे डिराइव करें? ट्रेपेजियम से कर दो. तो हम लोग अगेन सेकेंड ग्राफिकल मेथड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पर v है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया. तो हम लोग को पता है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है. कल मैं तुम लोग को थोड़ा सा बताया था जेई लेक्चर में कि एरिया अंडर v को वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. मतलब इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर VT curve. अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और तुम लिख सकते हो, मतलब स्कूल एग्जाम में, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. स्लोप ऑफ VT curve गिव्स एक्सेलरेशन, सॉरी गिव्स एक्सेलरेशन. और फिर ये काम कर देना, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन को स्लोप के बराबर लिख दिया. सिमिलरली यहाँ पर लिखना एरिया अंडर VT curve, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा? इसका एरिया कैसे निकाल ले? पैरेलल साइड्स को ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई. तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. Yes, height. Distance between them या height. तो मान लो ये distance, ये time t लगा. अच्छा, ये क्या होगा?
ये डिस्टेंस होगा 80, v इक्वल टू u प्लस 80, और ये हाइट है मेरा u, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड कौन वाला है? ये वाला ब्लैक और ये ब्लैक. सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u प्लस 80 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज t. तो देखो क्या बना, हाफ इनटू 2u t प्लस 80 स्क्वायर, तो ये बन गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो हम लोग का सेकंड प्रूफ हो गया. हो जाएगा ना ये सब प्रूफ? यस सर. ठीक है, सबसे हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा. अच्छा थर्ड क्या था? थर्ड हमने प्रूफ कर ही दिया था उससे. थर्ड क्या था? v square equal to u square plus 2as, है ना? तो एक्चुअली ये वाला जो है ग्राफिकली नहीं होता है, v square equal to u square plus 2as. मतलब हम लोग यही वाला जो तरीका था ना, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस, अगर तुमको वो पूछे ग्राफिकल मेथड, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो अगेन बस यही ग्राफ बना देना सेम. मतलब बस यही ग्राफ बनाना, u v t. अब बोलना कि एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज u प्लस v बाई 2 इनटू v माइनस यू बाई 2 टी. एक मिनट, टी क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाई ए, तो यहां से आ जाएगा s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है. ठीक है सर, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है जैसे पिछले वाले में? नहीं, इसमें तुम, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है. यहां पर तुम बस लिख देना फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम, फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. हम लोग जो भी प्रूफ किए हैं ना, तो वो सारे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए प्रूफ किए हैं, कि अगर एक्सेलरेशन वैरी होगा तो ये नहीं लगेगा. डन, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? मतलब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहेगा इस पे बेस्ड, जैसे ऐसा कि क्वेश्चन, एक कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन इज 2 m/s², फाइंड स्पीड आफ्टर 3 seconds. Speed, find the speed after 3 seconds and distance traveled in 3 seconds. And distance traveled in 3 seconds. कैसे निकालेंगे? सर वो v इक्वल u प्लस 80 लगा देंगे पहले. हाँ, v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो. ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है. तो देखो v आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस a इनटू t, दैट इज 6. और s का के लिए क्या लगा है? और ये हो गया 6 m/s.
ठीक है? यस सर। ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हमें टाइप करना होगा कि लिख के भेजना रहेगा पूरा पेपर? लिख के पेपर अपलोड करना रहेगा, मतलब तुमको ऐसे वो मिलेगा, टाइम मिलेगा, उसमें तुम्हें कॉपी पे अपने लिखना है आंसर, और फिर उसको फोटो खींच के और उसको अपलोड करना रहेगा। तो जैसे हम अपने असाइनमेंट करके, हाँ, तो बस तुम लोग को व्हाट्सएप पे नहीं भेज के ऑक्सलूप पे डालना होगा, अपलोड करना होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। लिफ्ट नहीं लो, 25 मीटर पर सेकेंड है, और ये इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड, टाइम बताना है, टाइम, पोजीशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये दोनों चीज बताना है। सर टाइम 10 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड आ जाएगा। डिस्टेंस 150 आ रहा है। डिस्टेंस आ जाएगा 625 - 25, 600 / 4, 125। ठीक है, ठीक है, तो टाइम के लिए क्या करें, v इक्वल टू u प्लस a इनटू t, तो दिस इंप्लाइज 20 इक्वल टू 2t, और दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 10 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगा सकते हैं, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है, दैट इज 625 - 25/4, दैट इज 125 मीटर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग माइनस 9.8 लिखते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं, कोई आइडिया? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ होता है इसलिए। तो जो भी चीज नीचे की तरफ होगा उसको मैं माइनस में लिखूंगा, और जो भी चीज ऊपर की तरफ होगा उसको मैं प्लस में लिखूंगा। सर पिछला स्लाइड देखो। हाँ, सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू ये भी होता है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, फीट में, ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब मैं मान लो एक बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को फेंका विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, और ये हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, एक मिनट, 20 + 5t² आएगा ना, ठीक है, टू डालो, 20 + हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 40 मीटर, जस्ट अ मिनट, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 40 मीटर, तो हम लोग इनिशियल स्पीड क्या लेंगे, +10 या -10? हम लोग अपना डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं हर बार। अब इनिशियल स्पीड बताओ क्या होगा, -10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? -9.8। इसको हम लोग रफ कैलकुलेशन के लिए -10 ले लेते हैं, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आएगा, -40 या +40?
डिफरेंस यहाँ से है छत से -40, तो बताओ कितने टाइम में बिल्डिंग नीचे वॉल नीचे पहुंच जाएगा, कितने टाइम में बॉल नीचे पहुंच जाएगा, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। थर्टी। अच्छा और लोग वेलोसिटी 30 रहेगा सर, वेलोसिटी 30 रहेगा और टाइम कितना लगेगा? सर 32 फीट है वो। हाँ वो फीट में है, लेकिन हम लोग को मीटर में डेटा है ना पूरा, तो हम लोग ये वाला डेटा लेंगे। सर वो यूज़ करते हैं क्या 32 फीट वाला? 2 सेकेंड। अगर तुमसे इनिशियल सब कुछ फीट में दिया रहे ना, इनिशियल स्पीड फीट में है और हाइट भी फीट में, तो फिर हम लोग वो डेटा यूज करेंगे। ओके सर 2 सेकंड वो तुम्हारा यूज आएगा नहीं एट सच, 2 सेकंड ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस के टाइम के लिए? S is equals to ut plus half at square, डायरेक्टली यही लगा दो टाइम के लिए। अब देखो u मुझे क्या दिया हुआ है, -40 इक्वल टू -10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस 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 हर जगह से कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 40 इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर प्लस 2t -8 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो तुम लोग के लिए नया क्या था? ये इक्वेशन नया नहीं है तुम्हारे लिए, नया क्या था तुम्हारे लिए कि किसको माइनस लेना है किसको प्लस लेना है? सर किसके रेफरेंस में लेना है वो गिवन रहेगा? नहीं देखो जैसे लिखा गया ना क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट, ऐसा मैं वर्ड्स में ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग of height of height 80 meter, find the time after which it hits the ground, also find its velocity at that instant, its velocity at that instant, उस instant उसका velocity भी find करना है, इस type से question दिया जाएगा। drop का क्या मतलब है? gravity minus zero, gravity हाँ तुमको दिया हुआ है g, take g is equals to 10, तो drop का क्या मतलब है पहले एक एक करके बताते जाओ, question क्या है, question को समझो कि एक हमारे पास एक building है उसका हाइट है 80 मीटर, इसके रूफ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड क्या होगा? जीरो। जीरो। तो इनिशियल स्पीड तुमको जीरो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी। -10। एस क्या होगा? -80। हम लोग यहां से देख रहे हैं सब कुछ नीचे की ओर है, तो बस अब फॉर्मूला में पुट करो, देखो क्या आ रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा बस।
ओके एक आंसर आया मेरे पास 40 40 किसका आंसर आया मतलब रूट 40 रूट 40 आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे एस वेलोसिटी 40 आ रहा है ओके एस पहले तो फाइंड द टाइम निकालना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये वाला टर्म तो मेरा जीरो ही हो गया तो यहां से आ गया मेरे पास माइनस ए टी इक्वल टू माइनस फाइव टी स्क्वायर इक्वल टू 16 t is equals to 4 second तो velocity root 40 नहीं आएगा यार velocity 40 आएगा 40 आएगा 40 आएगा in fact minus 40 ज़्यादा better होगा तो time 4 second आ गया तो velocity आ जाएगा u plus minus 10 into t that is minus 40 meter per second ठीक है अच्छा तुम लोग का अगर कितने लोग का अच्छा मैं आज उसमें पूछ लेता हूँ जेई लेक्चर में कि अगर कॉलेज एग्जाम के टाइम अगर तुम लोग का वो रखा जाए इंटीग्रेशन या कवर अप तो चलेगा ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला सर पी के एग्जाम के एक दिन पहले रख दो जितना मैंने करवाया ना बस उतने ही क्वेश्चंस कर लेना मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी नहीं करना अब देखो कुछ है मान लो प्रोजेक्टाइल भी मैं बस बता रहा हूँ बस इतना ही फिर हम लोग ये डिटेल में देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि दो टाइप का मोशन होता है तुम बॉल को ऊपर फेंके और वापस नीचे आ गया सीधा ऊपर फेंके लेकिन अगर हम लोग हल्का टेढ़ा फेंके तो ये ऐसे आता है ना बॉल ऐसे जाता है अगर हम लोग हल्का एंगल पर फेंके तो मान लो ये एंगल थीटा है और इसका स्पीड है यू ठीक है तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है ना उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g ये हम लोग प्रूफ करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin θ/g ये जो हाइट होता है ये मैक्सिमम हाइट ये एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और ये जो रेंज आता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेंज जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g ये तीन फॉर्मूला है अपने पास ये तीन मतलब मैंने जो लिखा था ना कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस तो ग्रुप पे पोस्ट किया था है ना आज सर आपने बोला था एक क्वेश्चन नहीं आएगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा नहीं मैंने बोला था कि बस इस पे क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज एंड मैक्सिमम हाइट देखो तुम्हारे जुलाई फिजिक्स होमवर्क ग्रुप नहीं यार हाँ इसमें मैंने लिखा था तुमको जो क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ये तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस एंड ग्राफिकल मेथड ये भी हो जाएगा और थर्ड था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज एंड हाइट ये थर्ड पोर्शन था राइट
तो देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एक मिनट क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल. Find a time of flight, b range, and c maximum height reached. सबसे पहले formula लिखना, उसके बाद फिर calculation करना. Maximum height reached. सर जी क्या लेना? जी 10 लेना है. टेक जी इज इक्वल टू 10 और इस केस में प्लस 10 ही लेना, माइनस 10 नहीं लेना प्रोजेक्टाइल वाले में. ओके क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो जब प्रूफ करते हैं उस टाइम हम लोग पहले माइनस ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फॉर्मूला जरूर लिखना जब तुम बोर्ड वाला पेपर दे रहे हो ना, कोई भी स्कूल एग्जाम, तो फॉर्मूला लिखना, उसके बाद फिर सॉल्व करना. और ये भी ध्यान देना कि ये एंगल कहां से दिया हुआ है. विद द हॉरिजॉन्टल दे रखा है, मतलब तुमको ये एंगल दिया हुआ है. अगर कभी कभी यहीं पे वर्टिकल लिख देता तो तुमको ये एंगल दिया होता, ये एंगल दिया होता, तुमको 90 में से माइनस करके तब फुट करना पड़ता. बट अभी वाले एग्जाम में हॉरिजॉन्टल ही दिया रहेगा. 64.8 ओके ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, time of flight t is equals to 2u sin theta upon g. बिल्कुल ऐसे ही लिखना, that is 2 into u is, u कितना लिया था, 60 ना, 60 और 37 degree, 60 sin 37 by g, that is 2 into 60, sin 37 होता है 3 by 5 into 10. सबको याद है ना साइन 37 का वैल्यू? यस सर तो ये आ जाएगा 36 बाय 5 दैट इज 7.2 सेकंड्स. नेक्स्ट रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. अच्छा साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टू थीटा कैसे निकाले? टू साइन थीटा कॉस थीटा. टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख दिए यू स्क्वायर इनटू टू साइन 37
cos 37 by g. तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 360 इंटू टू इंटू साइन 37 इज 3 बाई 5 इंटू 4 बाई 5, सही है ना? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो दे देंगे. एक बार 5 से काट दो तो 5 7 2, तो एक बार सिंप्लीफाई कर लेना बस, और कुछ नहीं करना. और थर्ड इज एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन 37 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, है ना? तो इससे कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो 63 180 इंटू 9 अपॉन 25. कूल, कोई दिक्कत? हो जाएगा ये सब? Yes. तो बिल्कुल तुमको यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे. और एक चीज नोट करो कि ये जो पाथ होता है ना, ये पाथ का नेचर होता है पैराबोलिक. जैसे सर्किल होता है, एलिप्स होता है, सर्किल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे एक पाथ होता है, उसका नाम होता है पैराबोला. तो ये पैराबोलिक पाथ है. तो तुमसे 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज, तो आंसर देना पैराबोलिक. पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक. नोट. तुम लोगों को वो आता है क्या साइन 180 माइनस थीटा निकालने, मतलब साइन 135 डिग्री सब निकालने? यस सर. ठीक है, तो देखो एक चीज प्रूफ ही कर लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ठीक है, ये होता है रेंज. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर. तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा जो कंपेयर करो तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा. ऐसा नहीं लिखो, तुम ऐसा लिखो साइन 2 थीटा और 180 माइनस 2 थीटा सेम है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा और साइन 180 माइनस 2 थीटा सेम है. देखो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, 2 दिस इंप्लाइज रेंज इज सेम फॉर 2 थीटा एंड 180 माइनस 2 थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों सेम आ रहा है. आया ना? यस सर. और जनरल स्टेटमेंट जो हमारे पास आता है वो आता है रेंज इज सेम फॉर थीटा, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, एंड 90 माइनस थीटा. और दिस इंप्लाइज रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, जो दो एंगल जिनका सम सेम है उनके लिए रेंज क्या होगा, सेम आएगा. ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन रेंज इज सेम फॉर रेंज इज सेम फॉर ऑप्शन ए 31 डिग्री एंड 58 डिग्री, ऑप्शन बी 14 डिग्री एंड 76 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड डी 44 डिग्री एंड 48 डिग्री.
कौन कौन सा आंसर आएगा? मल्टीपल करेक्ट है. कौन सा? बी एंड सी. जिनका सम, हाँ जिनका सम 90 होना चाहिए, बस वही दोनों होंगे आंसर. तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन रहेगा. एक और नोट करके लिखो. नोट, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. 45 डिग्री के लिए रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है. रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये पॉइंट भी तुमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है. ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. ठीक है, एक और चीज ऐड कर देगा सिलेबस में या चलेगा बस इतना ही? एक छोटा चीज ऐड कर दिया जाए सर. कौन सी चीज? बस इस पाथ का, इसका इक्वेशन क्या आएगा? ये जो है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा? या रहने दिया जाए, इतना ही सिलेबस? बस इतना ही. ठीक है ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं. इतना ही रहेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन में. और जो मैं नोट करवा के लिखाया हूँ ना, जैसे ये रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45, ये डायरेक्टली पूछा सकता है. ठीक है, फिर रेंज इज सेम फॉर कौन से दो थीटा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो रेंज इज सेम फॉर 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है? 90 हो रहा है ना? तो इनके लिए भी रेंज सेम होगा. अगर दोनों का सम 90 हुआ मतलब रेंज सेम. डन हो गया यहां तक क्वेश्चन. A ball is thrown vertically upward with an initial velocity (50 meters per second). Find its velocity after t equal to 2 second, 4 second and 6 second. सर 70, 90 और 110. नहीं, तुमने गड़बड़ कर दिया, तुमने डायरेक्शन गलत लिया. इसलिए नहीं, 70, 90, 110 नहीं आएगा. आ रहा 30, 10 और उसके बाद का पता नहीं. कितना? 30, 10 और उसके का पता नहीं, वो पता नहीं. माइनस में था स्पीड. सही है ना? माइनस में आंसर सही है. -10 आ रहा होगा. सही है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला,
ये ग्राउंड है, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो मैं बॉल को ऊपर फेंका किस स्पीड से 50, ऊपर की ओर फेंका है तो प्लस 50 होगा, और एक्सेलरेशन किधर है इसका, नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन को मैं माइनस 10 लिख सकता हूँ ना, जिसका आंसर 70 90 आ रहा है उन्होंने एक्सेलरेशन को प्लस 10 लिया है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो देखो v इक्वल टू u प्लस 80, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड डालो, 50 प्लस माइनस 10 इंटू 2 दैट इज 30, t इक्वल टू 4 सेकेंड डालो तो आएगा 50 प्लस माइनस 10 इंटू 4 दैट इज 50 माइनस 40 दैट इज 10, और t इक्वल टू 6 सेकेंड डालो तो आ जाएगा 50 प्लस माइनस 10 इंटू 6 तो आ गया माइनस 10। फाइन, तो तुम लोग के लिए पेपर देखो, बाकी लोग बाकी स्टूडेंट्स जो है ना इंटीग्रेटेड के, उनका पेपर अलग आ रहा है, तुम लोग का पेपर अलग आ रहा है, तुम लोग का पेपर आसान आएगा, ठीक है, तुम लोग का पेपर बस इतने चीज पे आएगा जितना हम लोग पढ़े हैं। सर जी पॉजिटिव कब होगा? जी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सेंस है? अब अभी के लिए तुम मानो हर जगह जी को नेगेटिव लेना है, ठीक है, मैं तुमको जेई लेक्चर में बताऊंगा ये क्या करना है, या तुमको नेक्स्ट कॉलेज लेक्चर में बताता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी के लिए जो भी चीज ऊपर है वो पॉजिटिव, जो भी चीज नीचे है वो नेगेटिव, ठीक है, मतलब वो थोड़ा पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, अभी के लिए ये रखो। किसी को कोई दिक्कत? कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स जैसे 1 मार्क्स के लिए, नैनोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है? 10^-6 नहीं, -9 माइक्रोमीटर होता है, हाँ माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रो माइक्रोमीटर क्या होता है? -6 और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? -10 पिकोमीटर क्या होता है? -12 होता है, और फेम्टो या फर्मी -15 मीटर, और मिलीमीटर तो पता ही है, 1 मिलीमीटर इज 10^-3 मीटर, ठीक है, ये इसको हम लोग फर्मी या फेम्टो दोनों बोलते हैं। तो तुमसे ये 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। सर पीएम का फुल फॉर्म क्या है? इस चीज का 1 पीएम का पीएम इज पिको मीटर माइक्रो मीटर एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर फेम्टो या फर्मी फेम्टो ऑब्लिक फर्मी मीटर और ये है मिलीमीटर, तो ठीक ही है। तो इस पे एक क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इधर रहेगा, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा और ये वाला रेंज वाले पे, ऐसे ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ कुछ रहेंगे, ठीक है। पैटर्न तो मैं तुमको भेजाई हूँ ग्रुप पे। जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा ग्राफिकल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड वाले में आ जाएगा, फाइन, या फिर ये तीनों निकालने के लिए बोल सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ये तुम्हारा आ जाएगा, ऐसा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 6 मार्क्स वाले में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है, तो इतने सारे चीज मैं तुमको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, बस इतना पढ़ लेना अच्छे से, सफिशियंट है। ओके ठीक है, चलो आप अभी अभी और कोई क्लास है या सीधा कवर वो है डाउट से 3 o'clock पे? सर सीधा डाउट्स क्लास है। ठीक है ठीक है, तो फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग, फिर हम लोग डाउट्स वाले टाइम मिलते हैं, जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर लेंगे। ओके सर, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू, वेलकम, बाय।